अस्सलाम वालेकुम। आज पीटीआई वालों के लिए एक जश्न का समा था। पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का फैन फॉलोइंग और इमरान खान के फॉलोअर, पीटीआई के वोटर लोग इतने में ही बहुत खुश हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई है, जिसमें इमरान खान को दिखाया गया है कि उन्होंने लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। इमरान खान बज़ाहिर बहुत ही खूबसूरत पहले की तरह नज़र आ रहे हैं। उनका रंग ढंग बिल्कुल वही है जो पहले जैसा था। इमरान खान के जो शेव है वो लोग कहते थे कि शायद इमरान खान ने दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश और सेहतमंद नज़र आ रहे थे। तो इमरान खान की जब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई तो वहाँ ये इजाज़त ना मिल सकी कि इसको लाइव दिखाया जा सके, लिहाजा जितनी भी हेयरिंग हुई इसको बाहर नशर नहीं किया गया। इसमें ये केस था कि इमरान खान ने एक पटिशन दायर की हुई है जिसमें पीडीएम गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था कि नैब कवानीन में तब्दीली करके इन्होंने अपने केस माफ़ करवा लिए और एक हद मुकर्रर की प्रक्रिया के 50 करोड़ तक जितनी भी करप्शन होगी इसको डायरेक्ट नैब जो है वो ऐसे मुलजमों को नहीं पकड़ सकता। लिहाजा ऐसे तमाम सियासतदान जिन्होंने 50 करोड़ से कम करप्शन की थी नैब उन्हें नहीं पूछ सकता था। और ये भी था कि जब तक शवाहे ना हो नैब जो है वो किसी भी सियासी रहनुमा को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। तो पीडीएम ने ख़ुद ही कानून बनाया और ख़ुद ही इसकी बेनिफिशरी हो गई। तो इमरान खान ने यही पटिशन दायर की कि ये कैसे मुमकिन है कि इन्हें के पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बनाए जिसकी वो ख़ुद ही बेनिफिशरी हो, यानी इंसान ख़ुद ही अपने केस माफ़ करवा ले। ऐसी पार्लियामेंट या ऐसे कवानीन को असर नौ देखा जाए और नैब कवानीन को बहाल किया जाए। ये पटिशन थी इमरान खान की। पहले इस पर समाअत नहीं हुई थी, अब दोबारा इस पर समाअत जो है वो शुरू हुई है। अब इसमें समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो इमरान खान जो हैं वो बजरिया वीडियो लिंक के अदालत में सवालात के जवाब भी जाहिर देते होंगे। उनके वकील ने वहाँ बहस की और जो मुखालफीन ने बहस की वो सारी इमरान खान ने सुनी। तो आज का दिन पीटीआई के लिए एक खूबसूरत दिन था कि उनका लीडर जो है वो स्क्रीन पर आया, लोगों ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी और पीटीआई के वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिन्होंने आज कमरा अदालत में इमरान खान को देखा। भी इमरान खान को ज़मानत हो चुकी है और कई ऐसे शरपसंदी के केसेस उसमें भी इमरान खान की ज़मानतें हो चुकी हैं। सिर्फ एक केस रहता है जो कि इद्दत निकाह का केस है। अगर इसमें भी इमरान खान की ज़मानत हो गई तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान इसी माह बाहर आएंगे, बरी होंगे और इमरान खान जो है वो अवाम में होंगे। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब बहुत बड़ी पार्टी के सबसे मकबूल तरीन लीडर को आप सियासी मैदान में लाएंगे। जब इमरान खान सियासी मैदान में आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लोग बाहर से इन्वेस्ट करने आएंगे। जो पाकिस्तान के लोग बैरून मुल्क हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से ये साबित होगा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरी रवायात मजबूत हैं और एक सियासी लीडर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो है वो बरी किया गया है। इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात बेहतर होंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले केसों में इमरान खान की, ख़ासकर इद्दत निकाह केस में इमरान खान की ज़मानत होगी, वो बरी होंगे और आइंदा चंद दिनों में और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बरी होकर जल्द अवाम में होंगे और अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया।